नमस्कार, स्ट्रीट बज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा साम। आगे बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दुमका के सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में बुधवार को छठा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में झारखंड के राज्यपाल एवं कुलाधिपति रमेश बैस ने साल 2017 के बाद के बेस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के टॉपर्स को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। साथ ही समारोह के दौरान 51 PhD और एक DSc के छात्रों को डिग्री प्रदान की। इससे पूर्व मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस ने यूनिवर्सिटी में आयोजित छठे दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया। मौके पर वशिष्ठ अतिथि के तौर पर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो, कुलपति प्रोफेसर सोना झरिया मिंज सहित कई यूनिवर्सिटी एवं प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी के एक पत्रिका का भी विमोचन किया। राज्यपाल रमेश बैस ने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय बहुल क्षेत्र में स्थापित सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य निर्माण को लेकर लगातार प्रयास किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने और नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, शिक्षा का मूल उद्देश्य चरित्र निर्माण भी है। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का कार्य खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदलना है। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा अपने हृदय में सहानुभूति और समर्पण को जगह दे, ताकि विद्यार्थियों को समझ सके, उनकी समस्याओं को जान सके, पहचान सके और उसके निदान को मार्ग प्रशस्त कर सके। वहीं विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने कहा कि शिक्षा बेहद जरूरी है। गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप गाइड्स करें। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया गया है, आगे भी इसके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास जारी रहेगा। जनजाति बहुल क्षेत्र में स्थापित सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा है कि वे अपनी उपलब्धियों से अधिक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रेरित करें। विश्वविद्यालय परिवार छात्र हित में विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य निर्माण हेतु सजग रहे एवं गुणात्मक शिक्षा प्रदान करें। निश्चित रूप से राज्य में उच्च शिक्षा के दायरे का विस्तार हुआ है और आज हमारे शिक्षण संस्थानों में पहले से कहीं अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें जिस बात पर अब भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है वह है शिक्षा की गुणवत्ता और युवाओं के लिए सर्वोत्तम संभव शिक्षा। हमारे शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनाने की प्रेरणा दे, ताकि वे राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने हेतु सदा सक्रिय रहे। यहाँ के विद्यार्थी अपने ज्ञान और कर्म से इस राज्य ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करें तथा अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। हमारे विद्यार्थी सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, पूर्व जानों के जीवन से भी प्रेरणा ले। विश्वविद्यालय का उद्देश्य मानवीय मूल्यों व आदर्शों के का विस्तार करना और उन्हें व्यापक जन समाज तक फैलाना होता है। यही नहीं, विश्वविद्यालय सामाजिक सांस्कृतिक रचनात्मकता के केंद्र बिंदु होते हैं। यदि यह इमारत और शिक्षक उपलब्ध दो संसाधन कहे जाते हैं तो निश्चित रूप से आप विद्यार्थी विश्वविद्यालय का तीसरा संसाधन हो। असली खुशी अपने विद्यार्थियों में निहित प्रतिभा व खोज क्षमताओं को बाहर कर निकालना है। शिक्षा आपके अंदर आत्मविश्वास जगाती है, किंतु आपको आत्मविश्वासी होने के साथ विनम्र भी होना आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम करने का आवश्यकता है। हमारे यहाँ का जो स्थिति है ये किसी से छिपी हुई नहीं है कि अधिकांश जिन विद्यार्थियों को हम लोगों ने डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी या गोल्ड मेडल देने का काम किया, अधिकांश विद्यार्थी वैसे परिवार से आते हैं जो मैं समझता हूं कमोबेश गरीब परिवार के हैं, किसान परिवार के हैं। अपने कड़ी मेहनत और
कड़ी लगन और अध्ययनशीलता के बल पर और उनके दिल के अंदर में दृढ़ इच्छा के चलते उन्होंने शिक्षा का इस मुकाम को हासिल किया। इसलिए मैं उन विद्यार्थी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ साथ उनके जो पेरेंट्स है, उनके जो अभिभावक है, उन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि तमाम गरीबियों के बावजूद भी अपने बेटा बेटियों को उच्च शिक्षा देने के लिए पीछे नहीं हट रहे। बहुत सारे वर्ष मेधावी विद्यार्थी आज भी हम लोग देखते हैं जो लोग स्कूल कॉलेज के चौखट तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।